This video is all about wonderful DI college memories we had together. I'll request to use headphones and just feel it. Finally, 12th passed. 12th sabki complete ho gayi thi. Lekin tension thi to college ki. College ke naam par yaad aa rahe the St. John's, Agra College aur RPS. और डिफरेंट टाउन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो DI सिर्फ एक नाम था जिसका काफिरा उनके मन दिल दिमाग में बेशुमार था। DI कॉलेज तो सिर्फ एक सपना था जो काफ़ी दूर था, लेकिन लग तो हमें भी रहा कुछ अपना था। लोगों ने बताया DI के रंग रूप के बारे में। कॉलोनी में थी DI वालों की अलग ही वैल्यू। जहाँ हमारे लिए डिफ़िकल्ट था रूठों को मनाना, PCMPCB लेकर पास हो जाना, हम सभी के पेरेंट्स का सपना था अपने बच्चे को DI कॉलेज में पढ़ाना। सो फाइनली हम समझ चुके थे इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक बार एडमिशन हो जाए फिर शुरू होगी हमारी ऐश। कॉलेज से ही मिलेगा नाम है प्लेसमेंट और कमाएंगे लाखों कैश। लेकिन 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 उसके लिए देना था हमें पहले एंट्रेंस टेस्ट। याद है कैफे जाकर फॉर्म फिल करने से शुरू हुई कहानी। इतने सारे सेमेस्टर्स कितनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं लगा। हाँ, आई थी सेमेस्टर्स के बीच में सबके टफ सिचुएशंस। कभी कभी बहुत कम मार्क्स आए थे तो कभी पास होने के लिए घबराए थे। रिमेंबर टेस्ट का यू देना, सर्टिफिकेट के मार्क्स के लिए कंप्यूटर सेंटर में धूप में जाकर खड़े होना, इंटरव्यू के लिए बड़ी बड़ी लाइन में लगना। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग लिस्ट में नाम आया सब खुशी में बदल गया। फर्स्ट डे कॉलेज का कहूँ या कहूँ लेक्चर का पिटारा, एक ही दिन में सिखा दिया डिसिप्लिन सारा का सारा। फोन्स आर नॉट अलाउड, मेंटेन डिसिप्लिन, अटेंडेंस इज कंपलसरी और न जाने क्या क्या। सोशल सर्विस थी कॉलेज की जान, जिसकी वजह से टीचर्स ने कराया बहुत सारा काम। पहले सेम में DHA की शेयरिंग करने से लोग बसते थे और लास्ट सेम आते आते उन्हीं सब बातों पर जोर जोर से हंसते थे। हर स्टूपिड भी यार ना, वक्त के साथ दोस्त बने, फिर ना DHA की चिंता ना CA की टेंशन। याद है ना DHA का लास्ट टाइम पर बनाना, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ मेरा बना दियो यार। व्हाट्सएप नहीं था हमारे लिए, इट बिकम DI ऐप। सारे असाइनमेंट को सेंड करने का वही एक अड्डा था। दुनिया के लिए होगा व्हाट्सएप फॉर चैटिंग, बट फॉर अस इट लुक लाइक कब खत्म होगा ये सब, ऑल बिकॉज ये हमारे लिए फांसी का फंदा था। आज भी याद है CA से 5 मिनट पहले पढ़ना और फिर कॉरिडोर में आकर जोर जोर से हंसना, कभी प्रेयर ना लेना, टाइम मिलते ही कॉमर्स के मोड पर खड़े हो जाना। NCT, DHA और CA के बीच में स्टक हो रही थी काफ़ी लाइफ और हुआ काफ़ी रश। लेकिन उसी टाइम पर मिली थी पहली क्रश। गेट वाले भैया का शूज़ के चक्कर में भगाना, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जा पाया होना डेट। सिक्योरिटी आंटी वॉज द ओनली रीजन एज शी डू नॉट वॉन्ट एनी लव मेड। टीचर्स को यूनिक नाम से चढ़ाते थे, लेकिन सेमेस्टर एंड में नंबर्स के लिए उन्हीं के पास जाते थे। फिर वो उस टाइम प्यार से बेइज्जती करके हमें भगाते थे, पूरी साल क्या किया ये कहकर बहुत सुनाते थे। वो दोस्तों की लड़ाई, DC का बैठना, सस्पेंड होने का डर सताता था, कॉलेज से रेस्टिकेट ना हो जाए ये सोचकर हम लड़कों का मन भी घबराता था। लंच के टाइम पर गपशप लड़ाना और लेक्चर टाइम पर कुछ पढ़ते थे, मैक्सिमम सोते थे और कुछ को भूख लग जाती थी, वॉशरूम के बहाने फिर चुपके से वो कैंटीन तक जाते थे। सडनली फ़ोन की चेकिंग का पता लगता था, तुरंत हमारे तोते उड़ जाते थे। टेंशन का यूँ बढ़ना, हमारा फ़ोन बैग में ही रह गया कहकर फिर से यूँ डरना। वियर्ड मेमोरीज यार, कॉलेज के अंदर भी और बाहर भी। वो यूनियन बैंक वाले मिट्टू अंकल की चाय, वो गेट से बाहर निकलते ही भेलपुरी और चाउमीन की स्टॉल्स, वो पार्किंग वाले बाबा से आर्ग्यूमेंट करना, उज्जय कैफे की चाय, भगत हलवाई का वो बर्गर, RS की कोल्ड कॉफ़ी, वो क्वांटम जुगाड़ का श्रीखंड और मिल्क, ओपन डे पर वो सारी फैकल्टीज में घूमना, मॉडल के बहाने अपनी क्रश को निहारना, CT के लिए लास्ट CT एक दिन पहले ग्रुप पर मंगाना, CR का ग्रुप पर वो प्राइवेसी लगाना, सच में भूल ना पाएंगे ये सब। लेक्चर को बंक करके मूवीज देखने जाना, वो दोस्त के PG पर घंटों बतियाना, किसी लड़की के साथ रोड पर जाने पर टेक्निकल वाले दोस्त का उसको भाभी बोल जाना, मार्क्स के डर से हमसे खेतों पर काम करवाना,
सोचा था लास्ट सेम में कुछ पल साथ बिताएंगे, लेकिन लॉकडाउन ने चेंज कर दी सारी कहानी। अब तो बस याद है तो तुम सबका प्यार। थैंक यू सीआर जो हम सबको संभाला, थैंक यू टीचर्स जिन्होंने बुक्स के साथ एंगेज रहना सिखाया, थैंक यू स्टाफ, टीचर्स एंड ऑल द डीआई कम्युनिटी। और कॉलेज के लिए डीआई सिर्फ एक टैलेंट का किस्सा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। लाइफ में जाओगे तुम भी बहुत आगे, लेकिन ये कॉलेज का प्यार, वो जिगरी यार, वो असाइनमेंट के चक्कर में बिताई वो सारी रात, यकीन मान मेरे दोस्त, रो जाओगे जब भी याद आएंगी तुम्हें ये सारी बात। थैंक यू।